वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछेंगे 10 सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धारा 368 के अनुसार। सवाल नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल कर्तव्यों से। सवाल नंबर 3, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष। नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महान्यायवादी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, महान्यायवादी। सवाल नंबर 5, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडवोकेट जनरल। जनरल, ओके। सवाल नंबर 6, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 148। सवाल नंबर, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए, सॉरी, आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। सवाल नंबर 7, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू जी ने। सवाल नंबर 8, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। सवाल नंबर 9, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का अस्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? यहां ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक कर आप सोच सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वीवी गिरी। सवाल नंबर 10, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक 1951-52 में। सवाल क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए एक सवाल है, यदि आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्यू फॉर यू। और इसका राइट आंसर, संविधान सभा की प्ररूप समिति का अध्यक्ष कौन है, इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर दीजिए दोस्त, लाइक जरूर कीजिए। और ज़्यादा पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं, वे आपके मूड पे डिपेंड करता है। और भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आजकल के वीडियो काफ़ी अच्छे सवाल वाले वीडियो बनाया जा रहा है, उसको आप देखिए, आपके लेवल अच्छे हो जाएंगे, आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, नहीं जानते हैं तो जान भी जाएंगे, और आगे की आपकी तैयारी बहुत उत्तम तरीकों से होने स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप वीडियो को कंटिन्यूटी बनाकर देखते हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।